हमेशा याद रखना कि इस्लाम की हकीकत और दीन का कमाल हमेशा मुकाबले से तरक्की करेगा, हमेशा मुकाबले से। मुकाबले से काम खत्म नहीं होगा, ये तो शैतान का धोखा है। मुनाफिकीन कहते थे कि इनका काम खत्म हो जाएगा, इनको मान देना बंद कर, इनके आस पास वालों को सजाओ ताकि ये इनके पास से हट जाए, इनका हमला निकल जाएगा, इनका काम खत्म हो जाएगा। फिर ये कहा कि इनके मरने का इंतजार करो, ये मर जाएंगे, इनका काम खत्म हो जाएगा। ये बहुत शक्लें हैं और ये सारी शक्लें काम के खत्म होने की ये सिर्फ मुनाफिकीन के जहन में आया करती थी, सहाबा के जहन में, इमाम के जहन में कभी ये बात नहीं। इसलिए फरमाया हदीस में कि जो शख्स ये कहे मुसलमानों के बारे में कि भाई मुसलमान हलाक हो गए, मुसलमान हलाक हो गए और काम खत्म हो गया, तो फरमाया हदीस में कि जिसने ये कहा कि लोग हलाक हो गए हैं वो खुद सबसे बड़ी हलाकत में है। बात की इस दावत पर, इसकी मुखालफत पर लोग आएंगे इसकी तरफ। चुनाचे जितने कुफार ने मुल्कों में जाकर असवार किए और मदीना मुनव्वरा की मरकजियत से और वहाँ की आमद से लोगों को रोकने की कोशिश की, इतना ज्यादा लोग आज कर रहा हूँ। आपको फिक्र हुआ कि मेरे काम का क्या होगा? ये जो मुल्कों में जा रहे हैं और जाके बादशाहों से कह रहे हैं और वहाँ के यहूद से कह रहे हैं और वहाँ के पैरों से कह रहे हैं कि इनकी बात को कबूल मत करना, मेरे काम में क्या हो? आपको फिक्र हो। तो अल्लाह ताला ने आपकी तसल्ली के लिए कुरान नाज़िल किया, ला यग़ुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू बिल जिलाल। नबी जी, आप इनके मुल्कों में आपकी मुखालफत के लिए इनमें से आप परेशान मत हों, ये आपको इस वक्त में डाल दें कि आपके आपका काम खत्म हो जाएगा। बताओ कलील के बहुत थोड़ा सा इनको आपकी मुखालफत पर दुनिया मिल जाएगी और लोग इन्हें मात दे देंगे मुखालफत पर। सुबह मावा हूँ जहन्नम, मेरे इस्लाम की मुखालफत करने वालों का ठिकाना हो जहन्नम। चली दी गई ना, परेशान देख मेरा काम क्या होगा। मैंने अर्ज किया कि दावत चलेगी तो आमद बढ़ेगी। चुनाचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जांचने के लिए आप नबी हैं या नहीं अपनी किताबों में पढ़कर आए थे। ज़ैद इब्न सअना जो यहूदी आलिम थे, बड़े आलिम, ज़ैद इब्न सअना बड़े यहूदी आलिम, शो वाकया है, उन्होंने अपनी किताब में पढ़ा कि ऐसे ऐसे हैं नदी हैं, आप ये नदी हैं, ये नाम है और ये शक्ल सूरत है। आया आपके पास, देखा आपको, पहचान लिया कि हाँ ये वो हो सकता। लेकिन कहते थे कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि उनके साथ जितनी ज्यादती की जाएगी और जितनी जिहालत से उलझन पेश आ जाएगा उनके सब्र में तहम्मुल में इतना इजाफा होगा।